राज्यों के चुनावी नतीजों ने भाजपा और कांग्रेस को खुश होने का मौका दिया है। वहीं गुजरात और हिमाचल में अपना आधार ढूंढ रही आप ज्यादा कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन वह गुजरात में इतना वोट प्रतिशत पा चुकी है कि जिससे केजरीवाल की पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर कदम बढ़ा दिया है। उपचुनाव में भाजपा को आशातीत नतीजे नहीं मिले हैं, लेकिन बिहार और यूपी की रामपुर सीट जीतकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराई है। ये चुनावी नतीजे कुछ कहते हैं। इन नतीजों ने हर दल को खुश होने का मौका दिया है। एमसीडी में आपने बीजेपी की 15 साल की बादशाहत खत्म की है। गुजरात में पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने जीत का नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं हिमाचल में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर अपनी उपस्थिति का एहसास करा दिया है। तो मैनपुरी उपचुनाव ने सपा को बल्लियों उछलने का मौका प्रदान किया है। वहीं खतौली के चुनावी नतीजों ने चौधरी जयंत की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधराहट रूपी चादर बिछाने का काम किया है। रामपुर के चुनावी नतीजे आजम खां के सियासी सफर थमने का संकेत जरूर दे रहे हैं। अगर इन चुनावी नतीजों को पूरे देश के हिसाब से देखा जाए तो गुजरात में पीएम मोदी की राजनीतिक छवि को और मजबूत किया है। वहीं हिमाचल में भाजपा पूरी ताकत लगाने के बावजूद बड़े अंतर से चुनाव हार गई है। तो मैनपुरी और खतौली उपचुनाव में समूचे अमले को लगाने के बावजूद कमल खिलाने में योगी आदित्यनाथ विफल रहे हैं। रामपुर सीट पर मतगणना के दौरान जैसे जैसे सूरज ढलान की ओर बढ़ा, आजम खां के करीबी कासिम रजा की उम्मीदें भी ढलती गईं। इन नतीजों ने आजम खां के सियासी वजूद पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ दलों ने भाजपा की दाल नहीं गलने दी। बिहार में जरूर भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए कांटे के मुकाबले में जीत हासिल कर अपना मनोबल ऊंचा किया। भाजपा गुजरात के नतीजों पर इतरा सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सत्ता गंवाने का गम उसे जरूर होगा, क्योंकि अगर गुजरात में पीएम मोदी और भाजपा के चालक अमित शाह को जीत का श्रेय दिया जा रहा है तो हिमाचल में हार की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? कांग्रेस में गांधी परिवार की हैसियत क्या है, इसका संदेश भी ये चुनावी नतीजे दे गए हैं। गुजरात में राहुल गांधी की मात्र 3 रैलियां हुई। वहीं हिमाचल में प्रियंका ने हर जिले में रैली को संबोधित किया। गुजरात चुनाव में कांग्रेस ने मानो वॉकओवर भाजपा को दे दिया था और पूरा फोकस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर ही रहा। अब गुजरात विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने जहां अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट हासिल कर नया रिकॉर्ड बनाया है, वहीं कांग्रेस ने अब तक के विधानसभा चुनावों में सबसे कम सीटों पर सिमट कर अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पूरे देश के परिदृश्य से देखा जाए तो ये चुनावी नतीजे हर दल को कुछ ना कुछ दे कर गए हैं और देश की जनता का मूड भी बता गए हैं कि इस बार 2024 का लोकसभा आम चुनाव भाजपा और पीएम मोदी के लिए इतना भी आसान नहीं रहने वाला। विजय बघेल, सी न्यूज़, आगरा।